नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कोई भी 4.5 वोल्ट का आप रेडियो को अगर 6 वोल्ट से लेकर के 8 वोल्ट तक बैटरी की कनेक्शन करके या एडेप्टर द्वारा बजाना चाहते हैं तो किस तरीके से उसको आप बजा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपकी रेडियो ख़राब हो सकती है, उसकी IC भी ख़राब हो सकती है। तो जो पॉइंट मैं बतलाऊंगा वो ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा, वीडियो को भगा भगा करके देखिएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और सही के जगह आपकी रेडियो ख़राब हो सकती है। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक काम आप यदि करते हैं तो आपको कुछ नॉलेज है तो मेरी वीडियो देख करके आप घर बैठे बना सकते हैं। अगर कुछ भी आपको जानकारी नहीं है तो मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, वो सभी वीडियो आप देखते रहें और किस तरीके से रेडियो रिपेयरिंग की जाती है या और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक काम है वो किस तरीके से रिपेयरिंग की जाती है, मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ तो वो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और किसी तरह का आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं सभी वीडियो में बतलाता हूँ कि यहाँ पे आपको दो वायर कनेक्शन करने को मिलते हैं, एक बैटरी की माइनस और एक प्लस। तो सेम उसी तरह से वायरिंग होगा और उसको करना क्या है, उस जैसे मान लीजिए आपको 4.5 वोल्ट की ये रेडियो की किट है और इसको आपको 8 वोल्ट से बजाना है। तो 8 वोल्ट से जो बजाना है तो इसमें 4.5 वोल्ट इन होंगे और आपने इधर सारे मान लीजिए 8 वोल्ट की कनेक्शन इसको कर दी तो क्या होगा, अगर डायरेक्टली कनेक्शन हो गया तो सीधा ही IC ख़राब हो सकता है। 12 वोल्ट पे तो 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको ख़राब होने में, लेकिन 8 वोल्ट पे हो सकता है, मैंने ट्रायल नहीं किया हुआ हूँ, क्योंकि 4.5 वोल्ट की जगह आपने 8 वोल्ट इसको दे रखा इसलिए ये उड़ गया। तो इसको रोकने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर आपको दिखाई दे रहा है लगा हुआ, तो ट्रांसफार्मर में बहुत से वायर लपेटे रहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ का सिरा आपको कनेक्शन हुआ तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी लंबाई तार का जो है कनेक्शन यहाँ है, तो मान लीजिए कितना करंट को यहाँ पर क्षमता है रोकने के लिए। इसी तरह से यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो ट्रांसफार्मर का एक सिरा आप देख सकते हैं यहाँ है और दूसरा यहाँ है, तो इस ट्रांसफार्मर को आप निकाल लें और एक यहाँ का सिरा बैटरी का कनेक्शन करें और दूसरा कनेक्शन यहाँ से सिर्फ इसका हो, तो क्या होगा कि इसके द्वारा जो इसमें लाइन जाएगा तो बहुत ही कॉइल की लपेटने की वजह से इसको करंट कम पहुँचेगी तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो 6 वोल्ट से लेकर के आप 8 वोल्ट तक इसको लाइन की कनेक्शन दे करके बजा सकते हैं DC करंट। तो इसी तरह आपको अगर 12 वोल्ट से डायरेक्टली बजाना हो तो भी आप बजा सकते हैं, तो उनमें आपको 7805 नंबर का ट्रांजिस्टर यूज करना होगा। तो अगर उसका भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा। तो आज के वीडियो के बस इतना ही, वीडियो लास्ट टाइम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।